हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम मानसिंह राठौर है। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं अपस्टॉक एप्लीकेशन का। तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में काम करने वाले हैं अपस्टॉक एप्लीकेशन का यूज करके, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल एंड तक देखना है। इस वीडियो में हम अपस्टॉक के सारे फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, कोई ऐसा फीचर्स जिसके बारे में शायद आपको पता ही ना हो कि ये हमें डीमैट अकाउंट में मिलता है या फिर अपस्टॉक ऐप में मिलता है या फिर नहीं, तो काफ़ी सारी हिडन जानकारी है जो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप बिल्कुल एंड तक बने रहना। जब तक आप अपस्टॉक एप्लीकेशन को यूज करेंगे या फिर जब तक आप शेयर मार्केट में काम करेंगे, तब तक ये जानकारी आपके काम आने वाली है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपस्टॉक ऐप का यूज करके शेयर मार्केट में काम करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर अपस्टॉक एप्लीकेशन का यूज करना सीखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपस्टॉक के दो एप्लीकेशन है, एक इसका ओल्ड एप्लीकेशन है और एक इसका 2022 में न्यू वर्जन भी आ गया। तो दोस्तों, हम दोनों ही वर्जन और दोनों ही एप्लीकेशन को इस वीडियो में ओपन करके देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपस्टॉक का ओल्ड वर्जन लॉगिन करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या क्या फैसिलिटी मिल रही हैं। तो सबसे पहले जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। इसमें होम पेज नहीं है, इसका जो वॉच लिस्ट है तो वहीं से ओपन होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप ये वॉच लिस्ट देखेंगे जो कि आपको अपस्टॉक ऐप ही बना के देता है। इसमें 20 शेयर खुद उसने ऐड कर दिए हैं। अगर आप नई वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट पर क्लिक करके वॉच लिस्ट का नाम रखेंगे और आपकी वॉच लिस्ट बन जाएगी। फिर अगर आपको वॉच लिस्ट में कोई भी शेयर ऐड करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और फॉर एग्जांपल PNB को मैं लेता हूँ, ये अभी ऐड है तो मैं इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। अगर ऐड करना चाहूँ तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं किसी को रिमूव नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को रिमूव कर दूँ किसी शेयर को वॉच लिस्ट से, फॉर एग्जाम्पल ये PNB है, तो मैं इस पर थोड़ा सा ऐसे क्लिक करके रखूँगा और इस पर मैं राइट लगा दूँगा, डिलीट पर क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि HDFC बैंक का जो शेयर है तो उसको मैं ऊपर रखूँ, तो मैं इस पर ऐसे क्लिक करूँगा, फिर इधर ये 3 डॉट आ जाएगा, मैं इसको ऐसे करके इसको ऊपर तक ले जा सकता हूँ, तो अभी सबसे ऊपर आ गया है। इसके बाद मैं राइट पर क्लिक कर दूँगा तो ये सबसे ऊपर रहेगा। इसके बाद इसमें हमें लाइव मार्केट का डाटा देखने के लिए मिलता है। तो सेंसेक्स और निफ्टी आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर बाहर है, आप चाहें तो इस बार को यहाँ से हटा भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सेंसेक्स की जगह पर मुझे बैंक निफ्टी दिखना चाहिए तो बैंक निफ्टी पर अप्लाई कर देंगे, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद ये तीर का निशान आता है, तो जब हम एरो का, ठीक है, तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसको क्रम से लगा सकते हैं जैसे हम चाहें वैसे। इसके बाद दोस्तों, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑर्डर्स का, तो आप मार्केट में जो भी ऑर्डर प्लेस करेंगे वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है पोर्टफोलियो का, तो पोर्टफोलियो में आपको आपकी पोजीशन दिखेंगी। पोजीशन मतलब कि जो स्टॉक आपने आज खरीदे है या फिर आज बेचे हैं। उसके बाद आपको होल्डिंग्स दिखेंगी, आपने जो भी शेयर लॉन्ग टाइम के लिए खरीद कर रखे हैं। उसके बाद इसमें फंड्स का ऑप्शन आता है, तो फंड वाले ऑप्शन में आप यहाँ से फंड को ऐड कर सकते हैं या फिर विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट हिस्ट्री देखना चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करके डिपॉजिट की हिस्ट्री देख सकते हैं, विड्रॉल आपने कब कितना किया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक मैसेज हो रहा है इम्पोर्टेंट मैसेज करके, तो यहाँ पर लिखा है कि 80% और 20%, ठीक है, तो ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी होल्डिंग्स में जो शेयर पड़ा था वो आपने बेचा, तो वो पैसा आपका 80% आज मिल जाएगा, बाकी का पैसा आपको कल मिलेगा। और अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो परसों आप पूरे पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप आज करना चाहते हैं तो 80% होगा, बाकी का कल होगा। तो लर्न मोर पर क्लिक करके आप यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको बता दी है, ठीक है। तो दोस्तों, ये चीज़ है, मैं इसको यहाँ से क्रॉस करता हूँ। उसके बाद इन्वेस्ट वाला ऑप्शन है, IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। ये यहाँ पर दो ऑप्शन आपको अलग से दे दिए हैं। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों, इधर आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन मिलता है। जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपका नाम और आपकी क्लाइंट ID है, ठीक है, तो वो आपकी शो होगी, क्योंकि अभी के टाइम पर लॉगिन करने के लिए क्लाइंट कोड की ज़रूरत नहीं रहती है। आप इसको मोबाइल नंबर के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि क्लाइंट कोड कहाँ है, तो दोस्तों ये आपका क्लाइंट कोड शो हो रहा है। इसके बाद आपको माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने आपके स्टॉक में कौन सा बैंक अकाउंट ऐड किया था, तो यहाँ पर इसमें माई बैंक डिटेल की ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि मेरा कौन सा इसमें बैंक अकाउंट लगा है। खैर इसको मैं यहाँ से बैक करता हूँ। अब आप जानना चाहते हैं कि आप स्टॉक में हम नॉमिनी कैसे ऐड करेंगे, तो इसमें नॉमिनी का आपको ऑप्शन मिल जाएगा एरा। जब आप नॉमिनी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें माई अकाउंट से मैं आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाती है, जैसे कि मान लीजिए आप होल्डिंग सेल करना चाहते हैं उस टाइम पर आपको टी पिन वगैरह जनरेट करना रहता है, ठीक है। तो वो आपको इधर जानकारी मिल जाती है। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं तो इसमें अकाउंट क्लोजर का ऑप्शन आपको नीचे मिल रहा है, रीजन देके आप अपना डीमैट अकाउंट यहाँ से क्लोज करवा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये नॉर्मल सी जानकारी है। अब इसके बाद हम फिर इधर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी सेगमेंट एक्टिवेट करना है, जैसे कि जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आप किसी स्टॉक में तो इन्वेस्ट या फिर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में या फिर MCX में, मतलब कि अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो उनको आप यहाँ से एक्टिवेट पर जाके एक्टिवेट कर सकते हैं। इसका दोस्तों अलग प्रोसेस है, इस पर एक अलग वीडियो बनेगा, ठीक है। तो मैं, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं बना दूँ, अदरवाइज आप यहाँ से प्रोसेस करते हुए इनको कर सकते हैं। यूट्यूब पर और भी लोगों की वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको प्राइज अलर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। प्राइज अलर्ट का यूज आप ऐसे करते हैं, मान लीजिए कोई स्टॉक अभी 90 रुपये का चल रहा है, वो आपको इंट्राडे में ख़रीदना है, आप सोच रहे हैं कि ये थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ा सा अगर नीचे होके आता है 88 रुपये पर आता है तो मैं इसको ख़रीद लूँगा, तो आप उसका यहाँ पर अलर्ट सेट कर सकते हैं। जब वो 88 रुपये का होगा तो आपको अलर्ट मिल जाएगा, मतलब कि अलार्म की तरह आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके बाद इसमें ऑप्शन आता है दोस्तों रेफर एंड अर्न का, तो आप रेफर एंड अर्न यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हेल्प एंड सपोर्ट का आपको ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप कोई भी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, लेकिन अगर आप उनको नहीं समझते हैं तो नीचे कस्टमर केयर का आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाता है, साथ ही ईमेल आईडी भी मिल जाती है, तो आप डायरेक्ट कंपनी को मेल या फिर उनसे चैट कर सकते हैं। चैट विद अस का भी यहाँ पर ऑप्शन है, तो दोस्तों आप जैसे भी चाहें आप उस तरीके से इनसे यहाँ पर बात कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे इसमें थीम का आपको ऑप्शन मिलता है, तो जैसे कि अभी देखना ये यहाँ पर वाइट कलर का आपको स्क्रीन दिख रहा है, अभी मैं इसको ऐसे डार्क कर सकता हूँ, अब देखो ये यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा डार्क हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके यहाँ पर थीम को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है सेटिंग का, तो हम इसका देखते हैं कि कैसे यूज करेंगे। तो सेटिंग पर दोस्तों इंडेक्स से स्टिकर, तो इसका मतलब ये है कि जो वॉच लिस्ट पर अभी आपको दिख रहा था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, वॉच लिस्ट पर ये आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दिख रहे हैं, अगर आप इनको यहाँ से हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाएंगे, स्टिक को हटा देंगे तो वो वहाँ से हट जाएगा, अगर इसको यहाँ से इनेबल कर देंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हैं लॉगिन करने का, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ जनरल सेटिंग्स मिलती हैं। इसके बाद दोस्तों लैंग्वेज, अगर आप इसकी लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप इसको पूरा हिंदी में कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद अगर आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से लॉग आउट भी कर सकता हूँ। अब दोस्तों इसमें एक ऑप्शन और बचा है, वो है एक क्वेश्चन मार्क, तो जब आप क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन पर आपको सीधा रीडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हेल्प एंड सपोर्ट ही यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के तौर पर शो हो रहा है। और दोस्तों मान लीजिए कि अब आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर HDFC बैंक का ही ले लेता हूँ, तो देखो ये यहाँ पर स्टॉक के बारे में हमें काफ़ी सारी जानकारी अवेलेबल है, जो कि आप स्टॉक के द्वारा हमें प्रोवाइड करवाई जा रही है। चार्ट अगर हम देखना चाहें तो दोस्तों इस तरीके से हम चार्ट को यहाँ पर जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। अगर मैं इस स्टॉक की न्यूज़ पढ़ना चाहूँ तो न्यूज़ यहाँ पर मिल जाती है, ऑप्शन चेन देखना चाहूँ तो हमें मिल जाती है, ऑर्डर्स अगर हमने इसमें कोई प्लेस किया है तो वो हमें मिल जाता है, पोर्टफोलियो हमें यहाँ पर ये मिल जाता है। अगर हम यहाँ से भी अलर्ट सेट करना चाहें तो दोस्तों यहाँ से हम प्राइज अलर्ट सेट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आप स्टॉक के नए वर्जन एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें या फिर क्या क्या न्यू फीचर्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो दोस्तों जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लॉगिन होगा। सबसे ऊपरी आपको अपना नाम और क्लाइंट आईडी देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पर इनबॉक्स मिल जाता है, तो जो भी आपको नोटिफिकेशन होंगे बाट्स न्यू और प्राइज अलर्ट ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों इसमें क्वेश्चन मार्क वाला ऑप्शन आता है, तो ये आपको हेल्प एंड सपोर्ट वाले पेज पर रीडायरेक्ट करता है, सेम ये चीज़ वहाँ पर भी थी। और दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें ऑप्शन इनेबल करने के लिए आ रहा है,
कि आप स्टॉक फॉर इन्वेस्टर या फिर आप स्टॉक प्रो फॉर ट्रेडर। ठीक है, तो अभी ये ट्रेडर वाला लॉगिन है, तो ट्रेडर वाले का इंटरफेस कुछ इस तरीके से है। अगर आप स्टॉक फॉर इन्वेस्टर पर इधर ऐसे करके करती है, ठीक है, स्विच करके आप इन्वेस्टर वाले अकाउंट पर जाते हैं, तो इसका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अभी देखते हैं। तो ये इन्वेस्टर के लिए इस तरीके से ओपन होता है। ठीक है, अब आप इन्वेस्टर के लिए देख सकते हैं कि इसका इंटरफेस किस तरीके से आपको शो रहा है। ये होम पेज है इसका, ठीक है, आप होम पेज पर अवेलेबल जानकारी देख सकते हैं। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहें तो स्टॉक्स के बारे में आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। किसी भी स्टॉक को आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। हम एग्जांपल के लिए इधर ICICI का देख सकते हैं, ठीक है, तो इसमें म्यूचुअल फंड भी आ गए हैं और स्टॉक्स भी आ गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से इसके बाद इधर ये न्यूज है, तो शेयर के बारे में और शेयर मार्केट के बारे में यहाँ पर आपको न्यूज भी मिलती रहती है। माई पोर्टफोलियो, जो आपके पोर्टफोलियो में शेयर ऐड होंगे उनकी न्यूज भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। माई वॉच लिस्ट में जो भी आपके वॉच लिस्ट में शेयर रहेंगे उनकी न्यूज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों ये फीचर यहाँ पर इसका एडवांस हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों म्यूचुअल फंड है, तो जो भी म्यूचुअल फंड है वो आपको यहाँ पर देखेंगे, जो आप इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो वो म्यूचुअल फंड के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाती है। पोर्टफोलियो आपका ये रहा म्यूचुअल फंड का। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ है। और इसके बाद अगर आप इधर मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर शेयर मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। तो आप एक्सप्लोर कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका लर्निंग सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर वीडियो वगैरह अपलोड करके आपको काफ़ी सारी जानकारी दी गई है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, आप स्टॉक ब्रोकर ने यहाँ पर काफ़ी सारा आपको सिखाया है, तो आप यहाँ पर सीख सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो यहाँ पर भी बिगनर के लिए काफ़ी सारी जानकारी अवेलेबल है। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ। अब मान लीजिए कि ये यहाँ पर मैंने उसमें लॉगिन कर लिया है, मतलब कि इन्वेस्टर में। अब मान लीजिए आप ट्रेडर में फिर से इसको स्विच करना चाहते हैं, तो आप उधर कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया। अब फिर से आप इधर ट्रेडर के लिए इसको स्विच करके प्रो वाले वर्जन पर जा सकते हैं। अब देखो ये यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको वॉच लिस्ट बनानी है तो सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करके इसमें प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके नई वॉच लिस्ट बना सकते हैं। और उसमें आप शेयर को भी इधर प्लस पर क्लिक करके ऐसे वॉच लिस्ट आ जाएगी, उस पर आप शेयर को ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद ये माई लिस्ट है ना, वही यहाँ पर वॉच लिस्ट है। आप इसमें वॉच लिस्ट मत ढूंढना कि इसमें वॉच लिस्ट कहाँ है, क्योंकि माई लिस्ट इसमें वॉच लिस्ट है। इसके बाद जो ऑर्डर प्लेस करेंगे वो आपको यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर इसमें MTF और स्ट्रेटजी और GGTV मिल जाता है, वो आपको ओल्ड वाले एप्लीकेशन में देखने के लिए नहीं मिल रहा था। इसके बाद पोर्टफोलियो है, जो आपकी होल्डिंग्स होंगी, तो होल्डिंग्स में मेरा पहले का एक शेयर पड़ा है, तो इधर दिख रहा है पोजीशन में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा। इसके बाद दोस्तों डिस्कवर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्टॉक्स एंड IPO के बारे में अभी यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। अगर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आपको म्यूचुअल फंड पर ले जाएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट यहाँ पर है। ठीक है, तो निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी का डाटा आपको इधर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो एक दिन का या फिर ऐसे आप इसको चेंज करके देखना चाहें उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का ही दिखा रहा है और इंडेक्सेस का है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इसमें आपको काफ़ी सारे तो दोस्तों ये आपको ग्लोबल मार्केट के इंडेक्सेस भी शो करवाएगा। तो आप ग्लोबल मार्केट को भी यहाँ से देख सकते हैं, पर उस हिसाब से आप इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, दोस्तों ये यहाँ पर आपको डाटा दिख रहा है, अगर आप निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी, तो दोस्तों नीचे इसमें आपको ये एनालिसिस और डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। कम्युनिटी ट्रेडिंग के बारे में भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो शायद 2-3 घंटे का हो जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें फास्ट दिखा रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप भी अपने एप्लीकेशन को एक बार लॉगिन करें, फिर उसमें आप देखें। और दोस्तों अगर आप ये मार्केट का न्यूज़ देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो न्यूज़ मिलेगी जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में है या फिर शेयर के बारे में है। स्टॉक अलर्ट दोस्तों आप यहाँ से लगा सकते हैं, इसमें यहाँ पर भी ऑप्शन आपको मिल रहा है IPO के बारे में, अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर वीडियो के द्वारा आपको न्यूज़ दी गई है। अब इसके बाद दोस्तों जब आप अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट से रिलेटेड, जब आप माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके अकाउंट की आ जाएगी जो मैंने अभी आपको बताई थी ओल्ड वर्जन में। भाई प्राइसिंग अगर आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ से आप प्राइसिंग जान सकते हैं कि आप स्टॉक में कौन कौन से चार्जेस लग रहे हैं। तो वैसे आप स्टॉक का मैंने रिव्यू किया था, उसमें मैंने आपको चार्जेस के बारे में बताया था। तो अगर आप स्टॉक में लगने वाले चार्जेस जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आप स्टॉक को कंपेयर कर दिया है बाकी और डीमेट अकाउंट से, जैसे कि आपका पेटीएम हुआ, आपका एंजल वन हुआ, आपका जीरोधा हुआ, आपका ग्रो ऐप हुआ।
ठीक है, तो उनसे मैंने अप स्टॉक को कंपेयर किया है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ऐप सेटिंग आपको मिल जाती है और रिवार्ड वाले ऑप्शन में ही आपको मिल जाता है रेफर एंड अर्न। उसके बाद ट्रेडिंग सेगमेंट है, तो दोस्तों आप यहाँ से इन सेगमेंट को इनेबल कर सकते हैं, और अगर आप लॉग आउट करना चाहें तो यहाँ से आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अप स्टॉक का कंप्लीट रिव्यू। अब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये तो हमें जल्दी जल्दी बता दिया, हमारी काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आई, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अप स्टॉक के बारे में बहुत सारी जानकारी है, 5 से 6 घंटे में भी अगर बताना चाहूँ तो शायद नहीं बता पाऊँगा। इसीलिए आप हमें एक टॉपिक सजेस्ट करिए कि आपको क्या समझ नहीं आया, या फिर आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो उस टॉपिक को मैं अप स्टॉक में से लूँगा और फिर मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ ना कुछ कमेंट तो ज़रूर करना अगर ये वीडियो आपने नॉलेज पर्पज से देखा है तो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।